नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। होली के बाद एक बार फिर से सत्र का शुरुआत हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सदन पहुंची हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से राबड़ी देवी जो है सदन में उपस्थित हुई हैं। और बता दें कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी की छापेमारी लगातार लालू परिवार पर चल रही है, ऐसे में बिहार का सियासत जो है वह गरमाई हुई है। बता दें कि राजद के द्वारा लगातार आरोप सीबीआई और ईडी को लेकर लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एजेंसियाँ जो हैं वह प्राइवेट के तौर पर काम कर रही है, तोते की तरह काम कर रही है। वहीं जब यह सवाल जब बीजेपी के द्वारा पूछा गया तो बीजेपी भी पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव जो करनी किए हैं उसका वह जो भोग रहे हैं। हालांकि लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से यह भी कहा गया कि सीबीआई और ईडी को तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो हमारी आवाज़ पर जो है दफ्तर बना लें, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं दिल्ली से लेकर के पटना तक के और भी अन्य जगहों पर जो भी लालू यादव के सगे संबंधी हैं उन सबों के यहाँ जो है लगातार छापेमारी चल रही है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि सत्र के दौरान जिस तरह से लालू परिवार पर संकट जो है, तेजस्वी यादव पर खासतौर से जिस तरह से डिप्टी सीएम है बिहार के, और कहीं ना कहीं राजद द्वारा यह कयास लगाया जा रहा था कि जल्द ही बिहार को जो है तेजस्वी यादव संभालेंगे, बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें विराम लगता दिख रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो है राबड़ी देवी सदन पहुंची हैं। बता दें कि ये जो सत्र चल रहा है बिहार विधानमंडल का, यह काफ़ी लंबा चलने वाला है। 5 अप्रैल तक चलने वाला था, हालांकि एक दो दिन जो शेष दिन जो नहीं सदन जो की कार्रवाई चली वो भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से विपक्ष द्वारा लगातार बवाल काटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा। और यही सवाल है कि यही इसका परिणाम आप देख लीजिए कि जिस तरह से तमिलनाडु के हुए हमले को लेकर के लगातार सदन के बाहर हो या सदन में हो हंगामा किया गया, अब एक और विपक्ष को हाथ लगा है, तो कहीं ना कहीं सरकार से और विपक्ष से सवाल जवाब होगा। क्या नीतीश कुमार इन तमाम सवालों का जवाब दे पाएंगे, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि सदन में जो है बिहार विधान परिषद के सदस्य और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पहुंची हैं। छोड़े जाते हैं और आगे उन तमाम वीडियो के साथ। इसके बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज फाउंडेशन पटना। मैडम ईडी कार्रवाई कर रही है। मैडम ईडी की मैडम